तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, हम जाने वाले हैं गोलकुंडा फोर्ट। तो वो बहुत ही बहुत हिस्ट्री वाली जगह है। मैं आपको जाके वहाँ इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो चलते हैं वहाँ, तो चलते हैं वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम किले के अंदर, तो गोलकुंडा किले के गेट के अंदर से अंदर आ चुके हैं। और ये यहाँ पे आबादी भी हो चुकी है और दुकानें, पूरा एक महल्ला बन चुका है। और तो अब हम पहुँचने वाले हैं किले के बहुत करीब है। तो मैं ये देखिए, यहाँ पे गोलकुंडा किले का पूरा मैप है। हम आखिर में फोटो डाल देंगे। अगर आपको देखना है तो हम अभी फोटो भी डाल देंगे और आखिर में भी डाल देंगे। और ये देखिए, ये वो किला है जो हजारों साल पहले बनाया गया था और अब तक इसके ईंटा बहुत मजबूत है। इसे, इस किले को कुली कुतुब शाह फतेह करकर इसे और अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हम अंदर चल रहे हैं। ये देखो, यहाँ से ऊपर ये दरवाजा से इसको हाथी भी नहीं तोड़ सकते। और ये तेल से गिराते थे यहाँ पे, हाथी आया तो। अब बहुत आवाज आने वाली है। ये लकड़ी का है, देखो। चलो, ये पूरा लकड़ी का है, देखे सबूत इसका। मारते कि दोस्तों यहाँ पे एंट्री मारते हैं कि राजा के दरबार पर आवाज आती है। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ से आवाज ऊपर तक जाती थी। ये देखिए एक तो, और यहाँ पे दरबार से जाती थी आवाज। यहाँ पे हमारे साथ एक गाइडर है, दोनों हमारे को सब हिस्ट्री बता रहे हैं। तो आप भी देखिएगा, सेठ हाथ पकड़ के चलिए। ये देखिए, यहाँ से देखिए वो। अरे सुन रहे तुम लोग, हिस्ट्री सुनो। ये भी देखिए, पीछे से डिस्क्राइब भी कर सकते ना इसको उठा के वो करने का। अगर यहाँ पे सेलिंग करते थे, यहाँ पे डायमंड्स की सेलिंग करने के लिए इसे उठाना पड़ता था। पकड़ा। ये 240 किलो का पत्थर है। अगर इसे उठा लिया जाए तो जब उसने आखिरी में ले लेते थे। अगर कोई नौकरी के लिए इधर आए तो उसे कहते थे कि ये पत्थर उठाओ। डीसी ने भी ये पत्थर उठा दिया, उसे नौकरी मिल जाती थी। तो यहाँ से बाहर, अरे दो से मुझे धूप में नहीं दिख रहा है। एक मिनट, यहाँ पे 720 सीढ़ियाँ है। 360 नीचे आ रहे।
360 ऊपर जाते, 360 नीचे आने सीढ़ियां है। यहाँ देखे कैसा हैदराबाद शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट हैदराबाद का। वहाँ पे भी कर यहाँ पे बैट्स भी है, बैट्स चमगादड़। अभी हम लोग बताएंगे ये नागिना बाग है, इसकी फोटो ले लेते हैं आपको देख। यहाँ पे द जवेल अमंग द गार्डन्स भेजते थे यहाँ पे। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे एक डायमंड का दुकान होता था। यहाँ पे पढ़िए, मैं आखिरी में फोटो डाल दूंगा, देख लेना। ये देखिए यहाँ पे कैसा, यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बार स्कूल से पिकनिक करी थी, तो यहाँ ये देखिए यहाँ पे अपने हमने यहाँ पे स्कूल से पिकनिक की थी, तो यहाँ पे ही बैठ के खाना खाया था ये तरफ। और यहाँ पर डायमंड्स का सेल होता था, यहाँ पर डायमंड सेल, यहाँ से ही कोहिनूर सब में बड़ा डायमंड निकला था, ऐसे ही कोहिनूर। सही बोले, पुल्ला को मालूम है कोहिनूर यहाँ से निकला था और अंग्रेजों ने ले लेके चले गया कोहिनूर। और जो भी बड़े बड़े हीरे यहाँ से ही निकले थे। ये देखिए फोर्ट कैसा है, ये देखिए हर किला एक पहाड़ी में बनता है, क्योंकि जो उसका दुश्मन है उसको चढ़ाई में मुश्किल उतरे। तो ये देखिए गाइड मैप ऑफ इन्नर फोर्टिफिकेशन ऑफ गोलकंडा, यहाँ देखो ये गाइड मैप है। यहाँ पे मस्जिद भी है, देखिए यहाँ पे मस्जिद भी है। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर आग भी जल रही है, वो लोग 4:30 एक ऐसा अच्छा जंगल कैसा देखे तालाब। देखिए कैसा ऊपर बहुत धूप है इसलिए नहीं दिखेगा, हमें तो नहीं दिखेगा, हमारा कैमरा हम नहीं समझ सकते, लेकिन आप देख ले। इसलिए दो दो भी मिस्टेक्स कई वीडियो में, इसके लिए सॉरी। उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, भूल जाते ना जी, तुम्हारी आवाज याद रख लेते हम ना। अंकल क्या सुनिए, ऑडियो दिखाओ। वो 10 किलोमीटर जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उसका नाम बंजारा है, पहले बंजारे लोग थे, ईरानी भाषाओं का किला है ये, निज़ाम का नहीं। औरंगजेब के जो गुलाम सिपाही थे वो निज़ाम थे। हमारे गोलकुंडे में औरंगजेब बादशाह का हमला हुआ, हमला होने के बाद ईरानी भाषा ख़त्म हो गई, जो औरंगजेब के जो सिपाही थे गुलाम निज़ाम उनको हैदराबाद में गवर्नर बने। महाराष्ट्र में औरंगजेब बादशाह मर गए,
1707 में औरंगजेब बादशाह मरने के बाद फिर निज़ाम हैदराबाद में डिक्लेयर करे कि मैं आंध्र प्रदेश का मैं राजा हूँ। तो सलारजंग म्यूजियम, हाई कोर्ट, असम्बली, चौमेला पैलेस, पुरानी हवेली, किंग कोठी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलाफर दवाखाना, सब ये निज़ाम का है। ये ईरानी बादशाहों का जो है चार मीनार मक्का मस्जिद है, इनकी हुकूमत खाली हैदराबाद में थी। तो बोलना ये था, पहले बंजारे लोग थे, डांसारा थे, तारामती तिरामती बंजारे लोग, ये बादशाह को पानी, चावल, कपड़े लाके देते, ये बादशाह उसके बदले में हीरा सोना देते, एक्सचेंज करेंसी नहीं था, बार्टर सिस्टम था। गोलकुंडा फतरे है, पूरा पहाड़ी है, खेती बाड़ी नहीं है, हैदराबाद पूरा जंगल था, तो वहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा थी, तो ज़मीन के लेवल ये पहाड़ में कुछ भी नहीं था। तो ये बादशाह हीरा देते, वो लोग खाना पानी देते, बार्टर सिस्टम। इनके जितने भी बेगम आए सब हैदराबाद की थे, वो कब्रस्तान देख लो, बड़े बड़े गुम्बद, सात बादशाह के सात कब्रस्तान है, सेवन टूम्स बोलते हैं। तो देखा गया तो 21 टूम है वो, सात देखो, सात बादशाह, सात बेगम, 14 हो गए, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई भी है ना, सेवन टूम, पूरा फैमिली के कब्रस्तान है। देखो ये पानी का टैंक है, ये बड़ी बॉडी है बंजारा हिल के पीछे। उस जमाने में बहुत बड़ा पानी का तालाब था, वो तालाब का नाम था दुर्गम चरू, वहाँ से पानी पीने के लिए अंडरग्राउंड यहाँ पर आता। अच्छा, यहाँ से पानी अंडरग्राउंड होता, ये पाइपलाइन में, ये नीचे ये दूसरा में जाता, दूसरे से फिर तीसरे में जाता, 480 फीट पानी बादशाह के दरबार पे जाता था, चढ़ता था पूरा जमीन से अंडरग्राउंड पानी जाता। एक एक किलोमीटर पे सिपाही बैठते, चार चार वो लकड़ी के चरखे फिराते रहते, और पानी की किश्ती फिराते ना, हाथ के चरखे फिराते, उससे पानी बादशाह के दरबार पे चढ़ाई होता, मोटर की जगह हाथ के चरखे। यहाँ के सारे सिपाही पूरे साउथ अफ्रीका के थे, गुलाम, उनसे ये गोलकुंडा बने, जो जितने भी पत्थर उठाने वाले हबशी लोग। इधर देखेंगे आप, राजा आए थे, ऊपर छोटा सा मिट्टी का किला बना, 20 फीट सर्कल, इधर यहाँ करो, इधर 20 फीट सर्कल इतना होता ना, मिट्टी का किला बना, इसका नाम गोल्ला कुंडा रहे, जो गाय बकरी दूध देता ना गोली, तेलुगु में पत्थर को कुंडा बोलते, गोल्ला कुंडा। काकतिया राजा थे 1143 से 1363 तक, खाली हिंदू राजा की हुकूमत थी। 1363 में बहामनी किंग इन पर हमला करे, जो अपने बेजापुर, गुलबर्गा, कर्नाटक, उसके बाद 1518 ईरानी बादशाह के मिट्टी का फोर्ट तोड़ के पक्का किला बने। जी उनका नाम सुन, चार नाम है इनका, एक सुल्तान कुली कुतुब शाह, दूसरे का नाम जमशेद, सब कुली कुतुब शाह है, तीसरे बादशाह का नाम इब्राहिम कुली। तीन बादशाह के मिट्टी, चूना, पत्थर, मीठा गुड़, मीठा शहद, जहर और आपका मांस की दाल, मूंग की दाल पूरा पीस के ये पत्थरों के बीच में लगा, चिगट चिगट गम चिगट होता है, मीठा गुड़ चिगट होता है, अपना हर शहद में जहर भी मिला है ताकि चुमटियाँ मच्छर कीड़े नहीं आए। जो अंकल बता रहे थे वही है माश की दाल, बनवट की बात करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो चार पत्थर देख लो, चार पत्थर आप इधर है, तो चार पत्थर देख लो, खिड़कियाँ चार पत्थर से आड़े, उधर और उधर बाजू में भी है, तुम जमाने की खिड़की है बाबा, आपने जो बेडरूम की लकड़ी की, लोहे की, कांच की होती, ये पत्थर की खिड़कियाँ हैं, समझ रहे हैं आप, कोई आदमी बाहर, ये दीवार है समझो आप, हेलो, ये सामने दीवार दिख रही, दीवार के पीछे खिड़कियाँ बनाते हैं, कोई आदमी रस्सी पे के जो खिड़की के सहारे से चढ़ते ना ऊपर, तो वहाँ से गरम तेल गरम पानी डाल देते। अच्छा, ये जो अचार है सही बने, जी हाँ, दुश्मन रस्सी पे के चढ़े तो। अच्छा,
वो अंकल के साथ रहता हूँ ताकि आपको और जानकारी मिले गोलकुंडा फोर्ट के साथ। बादशाहों के कब्रिस्तान है यहाँ के बादशाह जिंदगी में पहले अपना अपना खबर बना के एडवांस रख लेते। बेगम हिंदुस्तान के थे, भरोसा नहीं था, ले जाके फेंक दे सकते या दफना दस, बेगम पे भरोसा लगता, इसलिए अपने जिंदगी में पहले एडवांस बना लेते। वो पानी के टैंक के सामने ये नीचे देख लो, पानी का फूल का झाड़ है, उसके सामने पानी के सामने आर्च गेट दिख रहा, मुर्दा गेट है। बादशाह मरे थे, उनको वहाँ से अंडरग्राउंड ले जाके वो टूम्स के पास दफना थे। तो वही टूम्स जो बादशाहों का पूरे सात बादशाह सात बेगम पूरे फैमिली का है। बादशाह मरे बाहर से नहीं, सुरंग में से ले जाते, और 40 दिन तक किसी को बोलते भी नहीं, समझ रहे हैं आप। 40 दिन के बाद चैलूम हो जाता, 41 डेज के बाद बेटा तो भी आता या दामाद तो भी राजा आता। इनकी हुकूमत दो ही पसंद करना है, बाप मरे बेटा नहीं तो दामाद। बादशाह को बेटा हुआ तो बेटा राजा बनता, बादशाह को बेटी हुई तो शादी होती ना दामाद, वो यहाँ राजा बनते, चाचा मामू का नहीं। तो 41 डेज के बाद दूसरे राजा आते, पब्लिक के सामने डिक्लेयर करते। आप जो सवाल कर रहे हैं, गन पाउडर स्टोर है, बारूद का स्टोर है ये फोर्ट का। यहाँ से गन पाउडर पूरा आउटसाइड बाउंड्री पे सप्लाई करते हैं। तो देखो पीली बिल्डिंग के आगे चलो, दिख रहा इधर तो सामने बोलो जी, मस्जिद के बाजू पीली बिल्डिंग के आगे चलो, बोल रहा मैं सीधा वो हरे झाड़ों के सामने। हाँ वो वहाँ वो किले की दीवार है ना, मस्जिद भी है बाउंड्री पे, ब्राउन कलर दिख रहे ना, वो हरे झाड़ों के सामने टूटी हुई है, वो किले की 7 किलोमीटर बाउंड्री है। वहाँ तक है इसकी रेंज, पूरा गोल है, गोल कुंडा इसका नाम है। अच्छा, गोल माने उर्दू में सर्कल को बोलते हैं, तेलुगु में पहाड़ को कुंडा, गोल कुंडा है ये। 7 किलोमीटर बाउंड्री है, 8 गेट है। बादशाह के दरबार से ताली मारे तो 7 किलोमीटर 8 गेट पे सुने देते हैं, बोलना ये है। मतलब वहाँ तक वो मस्जिद के पास जो, जी हाँ जी, ऊपर से और अच्छी दिखती है, निकाल लो झाड़ा आपको समझ में। ऊपर से हम पूरे बाउंड्री पे सुनाई देती, 8 गेट बंद, एक ताली मारे तो बादशाह आते, 2 ताली मारे दुश्मन आ रहे, कोड वर्ड है। पंद्रह सौ 1518 में किले की शुरुआत हुई और 1580 में किला बना। अच्छा, 1518 में, 1518 से 1580 लगा लो साहब, कितने साल, 1518 में 62 साल लगे। 3 बादशाह मर गए, सुल्तान जमशेद इब्राहिम और सारे सिपाही पूरे अफ्रीकन मर गए। यहाँ पर क्या, गुलाम लोगों से किला बना, सीधी बात ये है। आदमी की जिस्मानी ताकत की जरूरत थी बस, यहाँ इंजीनियरों का डॉक्टरों की जरूरत नहीं थी। 100-100 किलो पत्ता उठा के खाले पर रखे, ऊपर जाना नीचे आना, तो उस हिसाब से जितने भी आते पूरे गुलामों से ला के किला बने, समझ रहे हैं आप। यहाँ के गुलामों को पैसा नहीं है, खाली घर फ्री है, खाना फ्री है बस। एक सिपाही 2 किलो चावल खाते और 1 किलो मटन खाते। यहाँ के जो अफ्रीकन थे वो गुलाम थे, घर फ्री खाना फ्री, 2 kg राइस 1 kg मटन एक दिन में खाते। गोलकुंडे की टाइमिंग है, फजर से काम चालू होता, ईशा में काम बंद। ये पानी का दूसरा टैंक, सुल्तान जमशेद और इब्राहिम इब्राहिम।
दोस्तों, अंकल बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, आप भी सुनिएगा बहुत जोर से, वॉल्यूम अप करके सुनिएगा। तो हम लोग के वहाँ पे हम लोग के अंकल को जाने तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखे अंकल को नहीं तो फिर बारिश में जाना फिर बढ़ जाते हैं। चलिए नीचे नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बादशाहों के ज़माने में पानी चावल ये फैमिली फोर्ट है, मर्द को अलाउड नहीं था, घर में परिवार फोर्ट है। अच्छा। आप जो जा रहे हैं दीवाने आम दीवाने खास, वो बादशाह का दरबार है। अच्छा। यहाँ के राजा महाराजा महीने में दो महीने में एक बार दरबार में आते थे, क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट उस ज़माने में डायमंड की माइन थी, तो इसलिए यहाँ के बादशाह पर पूरे दुनिया के राजा महाराजा नीचे आते थे। जब अंदर से सीध आ रहे थे आप, तो सामने गार्डन था ना, तो वहाँ पर आके यहाँ के बादशाह हीरो का कारोबार करते थे। अच्छा। तो ये जो टूटे फूटे आप जो देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर उस जमाने में 150 कमरे थे, मतलब एक साल का खाने पीने के गोदाम थे ये। अच्छा। देख रहे ना दीवार बहुत नीचे थे, डबल फ्लोर था, गिर गया टूट में। जब औरंगजेब बादशाह आने के बाद 8 महीने किले में जंग हुई, औरंगजेब बादशाह की जंग हुई, जब किला पूरा फतेह हो गया, पूरा किला खंडहर हो गया। औरंगजेब बादशाह तोड़ने के बाद भी 300 साल बंद था। ये देखो 60 बारीक बारीक पत्ता निकलते होल बनता, सुराख में पक्का छत है, और आपको नीचे कारपेट फ्लोरिंग था, मखमल के गद्दे थे, पलंग नहीं था इनके पास। दूसरे बाबर में अकबर में जो पलंग देखे वो यहाँ नहीं है, ईरानी सिंपल हुकूमत है, खाली गद्दे थे, गद्दे पे सोते, लकड़ी के मशाल लगे, धुआं नहीं हो, अगर मशाल गिर गया तो घर जल जाता, क्योंकि बादशाहों के घर में दरवाजे नहीं है। बादशाहों के जो महिला है पूरे पर्दे से रूम बनाते, तो हिसाब से हीरे से लाइट है। हीरे से लाइट होती थी पूरे गोलकुंडा फोर्ट में, मशाल वशाला नहीं थे, कैंडल हुए, हीरे से पूरी रोशनी आती थी। हम ऊपर आ गए हैं, देखो अभी ऐसे सिटी दिखते आ रहा है, सिटी देखे जमुना के पास थक जाएंगे, तो ये बहुत ऊपर जाना है। ये कहीं तो भी क्यों नहीं आते थे क्या तुम? ये देखे क्या है, मैं मम मम्मी भी आए थे, क्या है मम्मी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर और ऐसे हिस्ट्री वीडियोस के लिए, तो आपको अगर और हिस्ट्री वीडियोस होना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना होगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए। वो देखो किले की बाउंड्री देखो, हरे गार्डन के सामने किले की बाउंड्री, किले की बाउंड्री वो सीधा मीनार, मस्जिद से पहले, मस्जिद से पहले नजारा देख रहे हैं, मस्जिद है उससे पहले बाउंड्री और दूर है। ये पानी का तीसरा तो गोलकुंडा पहाड़ी पे बने फाउंडेशन है बने, देख लो ये तीसरा टैंक है, ये तीसरा वाला टैंक इधर है, ये पूरा किला पहाड़ी पे बना है, अपन घर नीचे से बना के ऊपर जाते, ये पहाड़ों की वजह से ऊपर से बनाते बनाते नीचे आए। वक्त 1 घंटा 5 घंटे 2 घंटे पत्थर में छोड़े, टूट गए तो ठीक है, नहीं जुड़े पत्थर पे दीवार बनाए। क्या छोड़े हो रहे, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये नहीं छोटा ज्यादा, इसके ऊपर दीवार खड़ा कर दी, सामने देखे किसे तोड़े, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे छोड़ दिए, टूटा ठीक है, जल्दी जल्दी काम करने का था इनको, सामने थे नहीं छोटा, फिलहाल पहाड़ी पे बना दी बस, जो पत्थर बेकार हो जाते वो बाउंड्री बना। 7 लाख सोने के सिक्के में किला बना, 7 लाख सोने के अशरफी उस जमाने का, 1 सिक्का आज के 50,000 है। आइए ऊपर आइए, सुनो पहाड़ पे चढ़ना है ये, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी पे हाथ पकड़ो अम्मी का।
पहाड़ में चढ़े हम यहाँ। ये देखे रामदास का जेल। मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट खोलता हूँ। चलाओ जल्दी रामदास के जेल में। ये देखे रामदास का जेल। अच्छा ये है रामदास का जेल। हाँ देखे वहां से ऊपर से देखते हैं लोग। से दिखता हो ये रामदास ये पूरा खुला था। हेलो ये पूरा खुला था। हम बाहर जा सकते हैं अंदर आ सकते हैं नजर भर। बात समझ रहे हैं आप अबुल हसन? बिल्कुल जा सकते हैं। नजर बंद करो नजर। ये नजर है बादशाह की नजर के सामने बाहर फिर सकते हैं। कैद खाना नहीं है सिनेमा में तुम्हारे इंटरनेट में सब डाला। जेल हो रहा नहीं है। अबुल हसन तानिशाह के पास रामदास बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बादशाह हुक्म दिए मेरे रामदास खजाना खत्म हो गया आप जाओ आंध्र प्रदेश का टैक्स ला। बात समझ रहे हैं आप? तो बादशाह की बात सुन के चले गए आंध्र प्रदेश का टैक्स लेके। बादशाह को देना था बादशाह से बात करना था नहीं दिए। बात भी नहीं करे बोले भी नहीं बिना पूछे टैक्स के पैसे से मंदिर बना दिए भद्राचलम। तो राजा उनको मारे तोड़े ने उनको बुला के चावन के गोदाम में नजर बंद करे 12 साल। यही बात है। अच्छा अगर ये हुकूमत नजर बंद करे खाली अगर यही हुकूमत मुगल सल्तनत में होता राजा भाषाओं के बिना पूछे उनको खानदान पे काट देते। ईरानी राजा ने गंगा जमुना आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अब लोकल जेल में डालेंगे पब्लिक के साथ इज्जत नहीं रहती इसलिए इतना बड़ा गोदाम खाली करके मिनिस्टर को नजर बंद करे। मतलब यहाँ से निकल सकते हैं मतलब जेल से बाहर नहीं निकल सकते बाहर निकल सकते यार रिस्पेक्ट से बंद कर उनको भी समझे। और ईरानी मतलब तुर्किश थे दोनों तुर्की के समझे पूरी खुतुब शाह तुर्की डायनेस्टी के छो इंटरनेट में डाला था सब गलत डाले। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ गवर्नमेंट के ये यहाँ सब चलते रहता है पूजा पाठ तो पकड़ा तो मंदिर होता है। सुने आप ये सुने मानू मैंने सबसे हमारे केसीआर परमिशन दिए थे सीएम 5 लाख पब्लिक आज पापा ले चल सकते हैं अंकल की। सुने मैडम पहले सीढ़ियाँ नहीं थे स्लोप थे 80 साल 90 साल की उम्र के लोग जाते थे। अच्छा सुने बाबा पूरा जमीन थी पूरा घर का जमीन घर का कमरा कैसे कमरा था लेवल बना दिए 1954 में बना दिए। होटल 10 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर सफेद बिल्डिंग। हाँ सफेद बिल्डिंग पहाड़ के ऊपर 10 किलोमीटर सीधा दूर ऊपर। हाँ देखिए यहाँ था मोबाइल में यहाँ था मुझे दिख रहा है ना यहाँ था मैंने तो बुद्धूर का 10 किलोमीटर दिख रहा पहाड़ सामने तो पहाड़ के ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है वो सलग में पहले से तो जो कॉर्नर पे उधर जो कोने में नहीं देखो हरे झाड़ा है वो लाल कलर की बिल्डिंग आ रही। हाँ। बिल्डिंग से 5 किलोमीटर सीधा ऊपर जाओ वो घर आ मेरा बिल्डिंग छोड़ के एकदम ऊपर समझ गए नहीं समझ नहीं दिख रहा वो लाल जो है सुना। हाँ, उसके ऊपर देखो बस वही सीध में झाड़ा दिख रहे कोने में पीछे पीछे वो फर्क वो रेड वाली बिल्डिंग दिख रही सीधा ऊपर देखो पहाड़ कैसे दिख रहा कॉर्नर में बार वो मतलब मध्यम मध्यम। हाँ। वो मेरे उस्मान अली खान का महल था इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया आई थे फलकनुमा पैलेस में निजाम को तोहफे में तोप दिए थे।
वो आप नीचे देखे देखो सामने हाँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते ना गेट में देखे। वो तो वी आर विक्टोरिया का तोप, इंग्लैंड की विक्टोरिया हैदराबाद निज़ाम को 1872 में तोप दिए ASI डिपार्टमेंट वहाँ से ला के यहाँ रखे। तो पब्लिक को बताइए निज़ाम के एंटिक फिक्स है। यहाँ के बादशाह खाना खाते हैं चाइना प्लेट, हरा कलर होता है, खाना उठा के प्लेट में डालते हैं। अगर कोई दासी यहाँ कि उनके कोई बेगामा पानी में जहर मिलाए तो प्लेट का कलर ब्लैक हो जाए। अच्छा इसी प्लेट कल जा रहे हैं तो सलारजंग म्यूजियम में चले हम, उसमें सब प्लेट वेड़ा सब रखी हुई है। सलारजंग म्यूजियम चाइना प्लेट होती है मैडम, यूनानी जड़ी बूटी का कलर लगाते हैं उसको। अच्छा। खाना उठा के प्लेट में डालते हैं, खा सकते हैं खाना वो। हाँ। खाना खराब नहीं होता, कड़वा नहीं होता, जहर रहा तो कोई प्लेट कलर काला हो जाता। ये प्लेट सलारजंग म्यूजियम में, अगर बादशाह की बेगम को गुस्से के मारे जहर पी के मर गए ये बादशाह अफसोस नहीं करते, कल दूसरी बेगम आती बादशाह हमारे प्रॉब्लम रानी मरी नो प्रॉब्लम। समझिए क्या समझे, ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं पूरा, अभी और भी ऊपर है जाना। ये देखिए पूरा गोलकुंडा किला ऊपर से भी दिख रहा है। ये देखिए मस्जिद है शायद, ये बाद में आते होते हैं। गोलकुंडा देख रहे हैं, ये ऐसा मत देखो आप, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं पूरा सेम काफी इधर भी है। आप समझ ऐसा ना को समझा, ये ऐसा वैसा कुछ भी मत ख्याल करो। ये जो कार्विंग है पूरा मजहब की कार्विंग है। अच्छा। एक आदमी की कार्विंग थी बड़ी नहीं बनती हिंदू गोलकुंडे के अंदर, पूरे धर्म के लोग यहाँ काम करे थे। आप जो देख लो पहले वो जो आपको गोल गोल जो आज कमान है उसके नीचे जो आप जो फुला ये अला कमल के फुला लग, ये तेलुगु इंजीनियर का था। बात समझ रहे हैं आप, वो सामने जो गोल गोल स्टार देख रहे हैं आप। हाँ। ये आसमान के तारे होते हैं। अच्छा। समझ लीजिए हर चीज नीछे जो देख रहे हैं आप वो अनन्नास का जो छिलटा रहता ना। हाँ। एक राउंड नीचे नीचे गिर गए गोलकुंडे के पूरे दीवाना गिर गए ये अक्टूबर में 22 अक्टूबर में। अब क्या है गवर्नमेंट तो उधर से उतरने का था अपने को, अब ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे फिर नीचे जाके। ये सिपाहियों का बैरिक्स है, बादशाह की आवाम जो मिलने के लिए आते उनका सामान चेक करके दरबार पे छोड़ दे चेक करने का। अच्छा। यहाँ चूने के प्लास्टर थे, ये पूरा छत था। अच्छा, था वो दीवाने आम दीवाने का ऊपर देख लो व्हाइट बिल्डिंग पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद का ऊंचा मकाम ये है। बादशाह पालकी में आते पालकी में जाते बेशक यहाँ के 6 बादशाह लोग 11 नंबर की बस से पैदल आते हैं, उनको पालकी की जरूरत नहीं है। आखिरी जो बादशाह थे ये आपके लड़के से भी अच्छे हैं, इनको तलवार दे दो किसी को मार के तो भी आके। यहाँ के बादशाह बहुत नाजुक थे, अबुल हसन ताना शाह ताना। दही वाली कोई दही लेके जाते दही के खुशबू सुने तो बादशाह को सर्दी होती। अब क्या करते बादशाह हुकूमत संभालना पड़ता, 25 दासियाँ ये मंत्री या मिनिस्टर आने का रास्ता था बंद कर दिए, ये बारिश में गिर गया बोल के बंद कर दिया, इधर से जाती है। हैदराबाद के सिपाया औरंगजेब बादशाह से मिल गए। बात समझ रहे हैं आप, घर के आदमी औरंगजेब बादशाह से मिलके पैसे लेके रात रात दरवाजे खोल दिए। आप जो हैदराबाद से गाड़ी अंदर आए वो सिग्नल में टर्न होती है बाहर की बात करो। 1687 रात 12 बजे यहाँ के सिपाया औरंगजेब बादशाह से मिलके गेट खोले, जैसा गेट खोले औरंगजेब बादशाह पूरों की गर्दन काट दी कि मैं खत्म हो गए। ये आप जो बोल रहे पहला वर्ड ये सही बोले आप, ये दूसरा वर्ड दीवानी खास।
जवानी अल खास है। पानी में पी लो। ऐसा ऊपर चढ़िए तो टाइम करीब हो रहा। तो देखिए हम पूरे 360 सीढ़ियां चढ़ गए हैं और ये दीवाने आम और दीवाने खास में आ गए हैं। ये सबसे ऊंचा है पूरा हैदराबाद। देखिए कबूतर हम पहले हैदराबाद दीवाने आम देखे इतना कोहरा है। देखे देखिए कैमरा अंदर ऊपर नहीं ऊपर से इधर पूरे ग्राउंड यहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ से पूरा शहर है तो दिख रहा है। यहाँ देखे फोन मजबूत पकड़ो। अरे वो ही छे अम्मे वो खिड़कियाँ तेरे और वो देखे वहाँ पे गेट में से आ रहे गोलकुंडा खजा की गेट में से कार्स। हाँ देखिए दोस्तों वहाँ से ये चढ़ गए पूरे 360 सीढ़ियाँ। देखिए दोस्तों वहाँ से कार्स आ रहे हैं ऑटो आ रहा है उधर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ से देखिए ऊपर से हैदराबाद का वो अंकल के बात आते सुनिए ना आपने कैसा अंकल के बात तो सुनिए ना आपने ठीक है। तो दोस्तों हम इधर जाते हैं इधर के इधर क्या है कि ये दीवाने खास है और यहाँ पे तो डोर है ना यहाँ पे पर्दे लगाए थे। तो देखिए दोस्तों कैसा दिख रहा है तुम्हारी तरफ से दिख रहा है ये दीवाने खास है। तो हम वहाँ चलते हैं देखिएगा वीडियो वो देखिए जबरदस्त व्यू। ये देखिए एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको गोलकुंडा फोर्ट के सीढ़ियों का जो के दीवाने खास में है। ये देखिए सीढ़ियाँ खुफिया सीढ़ियाँ हैं सीक्रेट्स में भी आता है ये। तो देख कभी व्यू नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को परिंदे तो चलो नीचे हम चलते हैं। ले लिए ये महल है महल ये पूरा एक फ्लोर बन के ये एक फ्लोर के बराबर है। तो देखिए वहाँ तोता है लगता है वो तोता कुछ पैगाम लेकर के हम ऊपर आ गए हैं और ये है छोटी सी सुराख। चलो नीचे चलते हैं। सही दे दो मेरा बोलो। चला जाओ आप भी आप नीचे जा रहे हैं।
ठीक है। चलो इनका हम उठा के दिखा दिया मेरे को। हाँ, आपने इसको उठाना है, ठीक है। इधर करना कहीं भी हो जाए। अनस भाई तो मत चलाइए वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ना तो दोस्तों ये तोपे पांच धातुओं से बनी है, सोना चांदी पीतल लोहा और तांबा। मैं यहाँ पे तोप चलाता हूँ, जैसे ये होल से मैं डालता हूँ, यहाँ से रस्सी खींचता हूँ। ये देख रहे हैं अनस तोप चला रहे हैं फिर से, ये गया बॉल। ये देखे उसे तोप चला रहे हैं, देखे और ये बॉल गया। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थे, टूट गए नहीं। तो दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ देख रहे थे आप, वो तीन बादशाहों के देखे महल थे। चला जल्दी जल्दी चलो, ये सातवें नंबर के बादशाह का इलाका। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि ये तीन महलात थे तीन बादशाहों के। ये बेडरूम टूट गया, ये आपके छठवें बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला खुसरो का, ये उनका बेडरूम था। ये साइड में पांचवें बादशाह का, तीन बादशाह खिला बना था जो भागमती से मुलाकात हुई। पांच चौथे पांचवें छठवें, चार का बेडरूम बना, तीन का नहीं बना। इधर आइए, तो दोस्तों ये बादशाहों का पानी का हाउस था, देखिए। ऐसा लग रहा है कि जू की वीडियो की तरह बहुत लंबी बनेगी। देखें हमारे छोटे भाई आ गए। बैट्स कर देंगे, बैट्स इधर बचा। तो दोस्तों ये देखिए, आओ मेरे पीछे। ये देखिए छोटी गुफा के वैसा है और यहाँ आग जरा है, लग रहा है। तो यहाँ से चलते हैं लाल मिट्टी। ये देखिए हमारे यहाँ, बता मुझको बता हमारे राइट। अब देखिए ये बादशाह दूर से 40 फीट गड्ढे थे वो बंद कर दिए। ये बादशाह के टॉयलेट से जो थे मैं भी बताता हूँ। ये बादशाह का टॉयलेट है, देखिए बताने की चीज है। तो दोस्तों हम यहाँ हैं, वो महलगन है। हम यहाँ पर तो रुकेगा, हम सुल्तान के वाइफ के महलगन देंगे। ये देखिए दोस्तों ये ढलान है। ये देखें हम कहाँ आ रहे, खड़ा रहेंगे खड़ा रहेंगे। नहीं तो ऊपर क्या ले लो, पूरा शॉट इधर फिरा लो, ले लो फिर उसा ले लो लियो दा। आइए नीचे नीचे देख के आना, सर तुम्हारा तक दर्द है, डर है। यहाँ पे एक ले लो फोटो, ये रानी के पूरे महल थे। सही है, तो देखिए हमारी एक्टिंग तो करना पड़ेगा ना। पानी मेकअप करने के बाद अपना चेहरा पानी में देखें।
ये रानी का मेकअप रूम था। यहाँ पे पानी में देखते थे कैसे दिख रहे, आईने वाइने नहीं थे ना जब, इसलिए पानी। गोलकुंडे में ऐसी नक्काशी थी पूरे किले, क्या बस झूठने थे कुछ भी नहीं थे, खाली पत्थर दिख रहे हैं, पूरे सजे हुए थे मुगल अकबर बाबर, ये पूरे अफगानिस्तान की सुनिए। यहाँ के मुस्लिम बादशाह में मिनिस्टर आए थे, मिनिस्टर हरामी पना करे, बाप बादशाह में मिनिस्टर, आप मेरे को टैक्स दे मैं नहीं दिया, क्योंकि औरंगजेब बादशाह 10 साल बर्दाश्त करे, टैक्स नहीं देने की वजह से किले को तबाह कर दिया। अच्छा यहाँ के मिनिस्टर्स टैक्स नहीं दिए, पक्का ना मादाना हिंदू मिनिस्टर टैक्स नहीं दिए, बादशाह दिए मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोल दिए। अच्छा बात समझ रहे हैं आप, इंडिया के लोग आके कोई हिंदू मुस्लिम प्लास्टर करते ऐसा डिजाइन है तो 10 सिक्के देते थे, मिनिस्टर ना क्या करे, 2 दिए 8 खा गए, 10 साल तक खाते गए, अब यहाँ के लोग मजबूर हो गए, अब पैसों की लालची में औरंगजेब बादशाह से गेट खोल दिया, गलती सिपाही की भी नहीं है ना, बादशाह की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, तो इसलिए औरंगजेब जैसा गेट खोल औरंगजेब कितना खिला तोड़ेंगे, हिंदुस्तान में इनका नाम क्या है, इसलिए देखो सोशल स्टडी में इंडिया की पढ़ लो बुक में, हैदराबाद के बादशाह बोले तो निज़ाम बोलते हैं, अब तेलंगाना अलग करने से अपने यकुली कुतुब से बुकों में अब छाप रहे, पहले काम था ये बादशाहों का महल था, यहाँ पर नाच गाना होता था, तारामती पीरामती बंजारे लोग डांस करते, ये दीवार के पीछे धोबी घाट लंगर खाना कपड़ा धोना खाना पकाना, ये बादशाह बेगम बैठते गाना सुनते थे, ऊपर में बादशाहों का बेडरूम था, ये पानी का फवारा है, चार मीनार में पुराना फॉल्टन है, टिकट काउंटर के सामने ओरिजिनल है, ये नया है, सिपाही बैठ के 2 मिनट वो चरखा घुमाते थे, पानी ऊपर आता था, सिपाही की आंखों में काला बुरखा डाल देते ताकि सिपाही रानी को ये नाचने वाले को महल नहीं देखे। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे तारामती डांस होता था, यहाँ पे तारामती बोल के थे और यहाँ पे डांस करते थे, और वो फव्वारा यहाँ पे फव्वारा रहता था, और यहाँ पे राजा रानी यहाँ पे डांस देखते थे तारामती का। यहाँ पे बंजारे लोग डांस करते थे, यहाँ पे कभी धोबी घाट कपड़े धोते थे, लंगर घाट भी रहते थे यहाँ पे। नाजरीन उस जमाने में मुगल एम्पायर सब रियासतों से टैक्स वसूल करती थी, तो जो आखिरी कुतुब शाही हुक्मरान थे अबुल हसन कुतुब शाह, उन्होंने अपने उजरा की टैक्स के पैसे तो दिए के औरंगजेब को अदा करे, लेकिन उजरा ने बीच में गड़बड़ की और पैसे खुद खा गए। यूँ औरंगजेब ने 8-10 साल इंतज़ार करके किले पर हमला कर दिया। यूँ हमें ये भी पता चलता है कि बादशाहों के उरूज और जवाल में वजीरों का कितना दखल रहता। तो सामईन ये किले की दीवार इतनी मजबूत है कि औरंगजेब को किला फतह करने में बहुत मुश्किलें पेश आई। मुगलों ने तकरीबन 8 महीने किले का मुहासरा किया, और जब किला फतह ना हुआ तो औरंगजेब यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा पे बैट्स भी हो सकते जो उनके ही सिपाही थे, मगर अल्लाह की कुदरत देखे के औरंगजेब को खुद नहीं पता था कि ये उनके ही सिपाही है। उनके पास गए और मदद मांगी तो यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा ने कुछ पत्थर पर लिख कर दिया जिसे किले के अंदर फेंका गया, और फिर अंदर से दरबारियों ने किले का चोर दरवाजा खोल दिया। आमीन। मुगल चमगादड़ों की शुरुआत घुस गई और किला फतह हो गया। नाज़रीन यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह आज भी शहर हैदराबाद में नाम पत्री में यूसुफ बाबा की दरगाह के नाम से मशहूर है। दोस्तों यहाँ पे बहुत एक दीवार से बोले तो दूसरी दीवार में आवाज़ आ रही थी, अगर आपको आना है तो एक गाइडर लेके आइएगा, वो जो जगह है ना वहाँ पे आवाज़ आती है, मुझे लगता है वो लोग वैसे जासूसी करते थे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। यहाँ पर चमगादड़ तो क्या
खिड़की दिख रही, खाली चेहरा दिखता था उनका। तुम तो जानो याद अलग की कार्रवाई, कोई दुश्मन आकर सड़क लेकर आ गया, भाषा दिख गया, जेबक से हथियार निकाल के फेंक के मारने की कोशिश करे तो ये दीवार को टकरा जाए। यहाँ पे चाकू छुरी निकाले तो भाषा को सुने देते, चाकू निकाले तो आवाज सुने आना। बिठाते थे मुजीमों को। तो दोस्तों अगर कोई दुश्मन खंजर निकाल के फेंका तो यहाँ पे आवाज़ आ जाती थी और दुश्मनों को यहाँ पे दीर्घ की करवस में तो आ जाती थी और बादशाह वहाँ पे बैठता था। अगर कोई खंजर फेंका तो दीवार आ जाती थी बीच में, इसलिए बादशाह महफूज रहता था। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से पूरे आवाज़ है, आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ये दासी के रूमा 25 दासियां थे, 75 कमरे थे, समझे? एक दासी के तीन कमरे, एक दासी के तीन कमरे, बाथरूम अलग, वॉशरूम अलग, बेडरूम अलग, अटैच बाथरूम नहीं, अलग अलग कमरे। ये तारामती तीरामती बंजारे डांसरों का बेडरूम, तारामती तीरामती बंजारे लोग थे। अबुल हसन दानिशा, हेलो चमगादड़ उड़ रहे, देखे एक गया चमगादड़। जो दीवार देख रहे वो घोड़ों का अस्तबुल खाना, इसीलिए यहाँ पर्दे होते थे, कहीं दरवाजे नहीं, तो इसलिए आप रोज वाटर सेंट पर्दे में डालना जरूरी है, क्योंकि टॉयलेटों की घोड़ों की बो नहीं आना महल में, इसीलिए पर्दे लगाते हैं। ये जनाना मस्जिद है, ये आगे का जो येलो कलर का बिल्डिंग है वो नगार खाना है। पानी का है थोड़िया ऊपर गया, वो दरवाजा ऊपर चलते बोले ना, ऊपर लेके गए पहले, ये शाही रास्ते से नीचे, ये रास्ता आपको ठीक है, यहाँ ले लो फोटो लेके, ये रास्ते से आप बाहर आ सकते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो मस्जिद है और चौकी, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया है, वहाँ पे 26 और 15 जनवरी को झंडा चढ़ाते हैं। गोलाबारी का काम, बारूद में यहाँ पे गोलाबारी का काम होता था। दोस्तों ये नक्कार खाना का है, यहाँ पे इर्तगुल में आपने देखा होगा कि नक्कार बजाते हैं, वो कोई आए तो नक्कार बजाते हैं, वैसे यहाँ पे नक्कार बजाते ही दरवाजे बंद कर देते हैं यहाँ के। शायद मैं आखिरी में फोटोज डाल दूँगा। दोस्तों ये है कैंटीन, हम यहाँ से जाते हैं। ये देखिए क्या है, तो अब हम चलते हैं। ये क्वीन विक्टोरिया ने निज़ाम को दिया था तोहफे में, तो ये लकड़ी का दरवाज़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जा रहे हैं घर, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।